प्रदेश में शराबबंदी को लेकर घमासान छेड़ा हुआ है और इसी बीच बस्तर जिले के प्रभारी आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि शराब आदिवासियों की जरूरत है, जब तक वे जीवित हैं बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी। आगे उन्होंने कहा कि थोड़ी शराब नुकसान नहीं देती है। तो बता दें कि शराबबंदी को लेकर जो है लगातार घमासान जारी है पूरे प्रदेश में और इसी बीच आबकारी मंत्री कवासी लखमा ने ये एक बड़ा बयान जो है वो दिया है, जहां पर उन्होंने कहा कि शराबबंदी जो है वो बस्तर में नहीं होगी, शराब जो है वो आदिवासियों की जरूरत है। और इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि थोड़ी सी शराब जो है वो नुकसानदायक नहीं होती। विदेश में 100% लोग दारू पीते हैं, बस्तर में 90% लोग पीते हैं, लेकिन पीने का स्टाइल नहीं जान रहे। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, वो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज्यादा पीने से आदमी को जान लेता है। तो इसलिए दारू और दवाई, या दवाई का हो या दारू पियो, तो इस टाइप का मतलब थोड़ा पीने से नहीं होगा। खेती करने वाला को, नागर जोतने वाला को, जब ये लोहा उठा रहा ना, ये लेबर, ये इतना बड़ा लोहा आप नहीं उठा पाएंगे, ये लेबर उठाएंगे शाम को मारेंगे, जब कल काम कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। दवाई लेना ये कल नहीं काम कर पाएंगे। तो इसलिए भूपेश बघेल जो बोला है उस बात को मैं समर्थन करता हूं। मैं शुरू में बोलता था, अगर कुलदाना का इस्तेमाल घोषणा पत्र भेजा, अगर छत्तीसगढ़ में दारू होगा बस्तर में तो नहीं होगा। मैं बोला मैं जब तक जिंदा रहोगे तो बस्तर में नहीं होंगे। बस्तर में देवी देवता बच्चे सब में उसका पूजा होता है, उसका बिना हम लोग जत्रा नहीं करेंगे, मंडाई नहीं करेंगे, पूजा नहीं करेंगे, इसलिए बस्तर में नहीं होगा। मैं पहले शुरू से बोलता था। AK Singh तुम्हारा दो तीन के बाद फोन से बात हुआ, महारा बाबन विजय लक्ष्मी गुरु, क्या हाल चाल है, दिक्कत नहीं है? क्या नाम है? AK Singh साहब, तुम्हारा दो तीन के बाद फोन से बात हुआ, महारा बाबन विजय। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जीवानंद हलदर जो है वो इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। जीवानंद, एक तरफ शराबबंदी को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, घमासान मचा हुआ है, उसी बीच मंत्री आबकारी मंत्री कवासी लखमा का ये बयान कि शराब जो है, थोड़ी सी शराब जो है वो नुकसानदायक नहीं होती, और एक तरीके से उन्होंने ऐलान ही कर दिया है कि बस्तर में जो है शराबबंदी नहीं होगी, क्या प्रतिक्रिया इसमें देना चाहेंगे और क्या इस पर आगे रुख हो सकता है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस प्रकार 2018 में जो आम विधानसभा चुनाव हुआ है, उसको मैं कांग्रेस की सरकार बनने से पहले कांग्रेस सरकार ने जरूर ये वादा किया होगा, किया था कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की जाएगी, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और जैसे तो अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इससे पहले जिस प्रकार सीएम भूपेश बघेल ने दुर्ग में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में साफ तौर पर यह कह दिया कि छत्तीसगढ़ में शराबबंदी नहीं होगी, तो इसी को लेकर जो जो बाकी जो नेता है, बाकी जो मंत्री है, उसने भी सुर में सुर मिला लिया। और यही कारण है कि कल जब आबकारी मंत्री कवासी लखमा से भी पूछा गया था कि आप आबकारी मंत्री हैं, बस्तर में किस प्रकार शराबबंदी होना चाहिए या नहीं, तो उसे साफ तौर पर कहा गया कि छत्तीसगढ़ में जो शराब जो पीते हैं उसको पीना नहीं आता है, शराब थोड़ी थोड़ी मात्रा में पीना चाहिए, उनको स्टाइल मालूम नहीं है। वही अगर जी बिल्कुल आपको थोड़ा रोकना चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि बीजेपी विधायक रजनीश सिंह जो है वो हमारे साथ जुड़ गए। रजनीश जी, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। जी नमस्कार जी। शराबबंदी को लेकर पूरे प्रदेश में जो है विवाद की स्थिति बनी हुई है और चुनावी ये साल है, इसी बीच आबकारी मंत्री का ये बयान सामने आया कि थोड़ी सी शराब जो है वो बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती है, और बस्तर के आदिवासियों का भी यहाँ पे जिक्र उन्होंने किया कि बस्तर के आदिवासियों के लिए शराब जो है ये उनकी जरूरत है और बस्तर में शराबबंदी कभी नहीं होगी, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे इस पर? देखिए, इनका जो दिव्य ज्ञान है वो हम 2019 से बोल रहे हैं कि ये जितने वादे किए हैं गंगा जल की कसम खा के कोई वादा पूरा करने वाले नहीं। और कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शराब पीने वाले, गुड़ाखू करने वाले, नशा करने वाले बंद कर दें तो मैं शराबबंदी कर दूंगा। जब वो पीना छोड़ देंगे तो ये क्या बंदी करेंगे? और माननीय मंत्री जी अब ज्ञान दे रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, तो ये एक ट्यूशन क्लास खोल लें कि शराब कैसे पीना चाहिए, कब पीना चाहिए, कहाँ पीना चाहिए। इनकी नियत में खोट है, छत्तीसगढ़ की जनता समझ गई है। और चार महीने बाद जब चुनाव होगा ना, हमारी माताएं बहनें तैयार बैठी, इन्होंने जो उनके साथ छल कपट धोखा किया है इसके लिए तैयार बैठे हैं। और ये सिर्फ शराबबंदी नहीं, किसी वादे को पूरा नहीं किए हैं, और इनका बयान अब जनता सुन नहीं रही है। ये बोलते हैं ना कि आग में घी डालने का काम कर रहे हैं बयान देते कर, एक तो शराबबंदी नहीं करना और ऐसे ऐसे बयान देना। कभी बोलते हैं कि हम अध्ययन दल बनाए हैं, अभी अध्ययन दल भेजते हैं, और फिर बोलते हैं कि होगा नहीं, कभी बोलते हैं शराब छोड़ दो। तो इस तरह की बातें अब
जनता में भारी आक्रोश है, इनको सबक सिखाएगी बहुत जल्दी। जी रजनीश जी, इसी के साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। धनंजय जी, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 में। नमस्कार। आबकारी मंत्री कवासी लखमा का बड़ा बयान आपने सुना ही होगा शराबबंदी को लेकर। उन्होंने कहा है कि बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी। इसी के साथ ही कई सुझाव भी वो यहाँ पर देते हुए नजर आए कि शराब पीने का स्टाइल जो है वो लोगों को नहीं पता होता है और थोड़ी सी शराब जो है वो हानिकारक नहीं होती है। प्रतिक्रिया दीजिए इस पर अपनी। देखिए, शराबबंदी को लेकर स्पष्ट मानना है हम लोग का कि जो 15 साल में रमन सिंह की सरकार ने, RSS की सरकार ने जो गाँव गाँव तक, घर घर तक जो शराब पहुँचाने का षड्यंत्र रचा था, इस प्रदेश के युवाओं को, इस प्रदेश के लोगों को शराब में ढकेलने का काम किया था, उस शराब से उनको बाहर निकालना है, उस शराब की गिरफ्त से बाहर निकालना है। एक शराब की दुकान बंद करके शराबबंदी करने से जो जनहानि की संभावनाएं अपार दिख रही है, और जो सामाजिक कमेटी की जो सिफारिश आई है, जिसमें साहू समाज के लोग हैं, देवांगन समाज के लोग हैं, वर्मा समाज के लोग हैं, विभिन्न समाज के प्रमुखों ने सुझाव दिया है कि शराबबंदी के लिए जागरूकता अभियान चलाई जाए। हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है और निश्चित तौर पर जितने भी लोग शराब की गिरफ्त में, उनसे आपके चैनल के माध्यम से हम आह्वान कर रहे हैं कि शराब को छोड़कर शराबबंदी के लिए जो सरकार जो प्रयास करे उसमें सहयोग करना चाहिए। और हम माता बहनों से भी अपील करते हैं कि शराबबंदी की दिशा में सरकार जो काम कर रही है, इसमें जो भी व्यक्ति शराब पीते या शराब में नशा गिरफ्त आता है, उनको समझा बुझा कर शराब से दूर किया जाए। सरकार का उद्देश्य नशा से लोगों को दूर करना है, शराबबंदी करना है, और इसके लिए हम काम कर रहे हैं। धनंजय, एक सवाल आपसे लेना चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस जो है, इस तरीके से आबकारी मंत्री ने ये बयान दिया है शराबबंदी को लेकर कि बस्तर में शराबबंदी नहीं होगी। आदिवासियों का जो बड़ा गुट है वो चुनाव में महत्वपूर्ण योगदान देता है, कैसे इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चुनाव में जो है आदिवासियों को अपनी तरफ करना चाहते हैं, इस वजह से इस तरीके का बयान दिया जा रहा है? नहीं नहीं, इसमें आप स्पष्ट समझिएगा, जब कांग्रेस पार्टी ने 2018 में शराबबंदी के विषय को घोषणा पत्र में अपने स्थान दिया था, उस दौरान स्पष्ट कर दिया था, क्योंकि जो 5वें अनुसूची क्षेत्र है जहाँ ग्राम सभा की अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है, ग्राम सभा का अधिकार है, जो 5वें क्षेत्र में जो अधिकार है, उस स्थानों को छोड़कर बाकी जगह शराबबंदी की जाएगी। तो कवासी लखमा जी जो बयान दिया है वो 5वें क्षेत्रों को लेकर दिया है, और पैसा के कानून बनाकर हमारी सरकार ने जो ग्राम सभा को जो अधिकार दिए हैं, ग्राम सभा के पास ये अधिकार है कि अपने क्षेत्र में शराबबंदी कर सकते हैं कि 5वें क्षेत्र में आते हैं। इस पास सरकार उसमें डायरेक्ट शराबबंदी नहीं कर सकती, लेकिन वहाँ के सभा को अधिकार है कि वो शराबबंदी कर ले। जी रजनीश जी, आपकी प्रतिक्रिया इस पर लेना चाहते हैं, क्योंकि चुनावी साल आगे, आगामी विधानसभा चुनाव जो है वो बहुत ही ज्यादा नजदीक है, और इस तरीके से बस्तर में एक बड़ी घोषणा जो आबकारी मंत्री ने की है। देखिए, मैं अभी धनंजय जी को सुन रहा था, उन्होंने वो प्रवक्ता के साथ सरकार के भी प्रवक्ता हो गए लगता है। अभी उन्होंने कहा साहू समाज, कुर्मी समाज और यादव समाज, इन सब ने सुझाव दिया है कि दारू बंदी हो। इनको कब सुझाव मिला है थोड़ा ये उसका ये करें, कौन कौन ऐसे लोग थे जिनको इन्होंने सुझाव दिया है? तो ये अपमानित कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जनता को। ये सिर्फ समाज का नाम लेके ना, अभी जिन जिन समाज के, इनको जवाब आगे अभी देना पड़ेगा। अब बाद में इनके नेता बोलेंगे वो तो बिल्कुल देंगे, बोल देंगे देना पड़ेगा, देंगे नहीं बिल्कुल देना देंगे। पड़ेगा और 15 साल के बाद छोड़ो, कसम गंगा जल की लेकर के कांग्रेस खा करके वोट ली थी, अभी जाओगे ना लबारी मारने का काम बंद कर दो। शक्ति के जनता पर लबारी मारने का काम अभी जनता बताएगी, फ्रॉड काम बंद करना बंद कर दो। अभी जो बोल रहे हो ना, जो लोग इस समाज के प्रमुख लोग शराबबंदी दिशा में काम कर रहे हैं ना, उससे भाजपा के विधायक को पीड़ा हो रही है, क्योंकि शराब को समाज को बना दिए हैं, उसको बना दिए हैं। सब विषय पर अभी जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता दौड़ाएगी, अभी जनता दौड़ाएगी, देखना आना। नरेंद्र मोदी जी सदन छोड़ के भाग रहे हैं, समाज ने कहा है, यादव समाज ने कहा है, समाज को बदनाम करना बंद करो, थोड़ा पढ़ लिख के आया करो, समझ गए? काम कर रहे हैं समाज ने दिया है, कौन सा समाज ने दिया है? अरे कौन सा समाज दिया है? कौन सा समाज ने दिया है? समाज को बदनाम कर रहे हो, शराब की दलाली करते तो सभी चल रहे हैं, रेस भी देख रहे हो, कितने लोग जेल में हो, इनके किनके घर छापे पड़ रहे हैं, शराब की दलाली कर रहे काम कर रही है, कौन कौन गए हो, कितने लोग जेल में है, कोयला के दलाली में, शराब के दलाली में, जमीन के दलाली में, कितने लोग जेल में है और कितने लोग जाने वाले हो? अभी सब तक गिरे पर पहुंचना है। आपसे एक सवाल यहाँ पे लेना चाहते हैं शराबबंदी को लेकर के, महिलाएं जो है वो सड़कों पर उतर आई है। पूरे प्रदेश में कई ऐसे गांव ऐसे हैं, कई ऐसे जिले हैं जहाँ पे महिलाएं जो है शराबबंदी को बंद पूरी तरीके से, मतलब अपने जहन में लेने के लिए सरकार के लिए सड़कों पर उतर आई, और इस तरीके से आबकारी मंत्री ने बयान दिया है कि बस्तर में जो है बंद नहीं होगी, शराबबंदी नहीं होगी, तो इस पर क्या लगता है, महिलाएं उग्र आंदोलन और आगे कर सकती है? अभी आने वाले समय में आपको देखेगा, देखिए इनको गाँव गाँव घुसना मुश्किल होगा, तब इनका अहंकार जाएगा। अभी टीवी में बैठ के बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं ना,
इनको अभी जनता बताएगी इनको कि जो बात है। नरेंद्र मोदी जी सदन छोड़ के भाग रहे, पूरा देश देख रहा है। अरे वो तो क्या कर दिए, कल देश में डूबना पड़ रहा है। जी बिल्कुल धनंजय जी, रजनीश जी आपको यहाँ पे रुकना चाहते हैं, समय की थोड़ी कमी है, माफी चाहते हैं आपको रुकने के लिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना पक्ष रखने के लिए।